Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू वजी भाई के यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे है तोरी, तोरी जिसे शायद की तोरी भी कहते हैं, जिसे तोरी भी कहते हैं और पंजाबी में मुझे नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेकर आते हैं तोरी, तो चले मेरे साथ। खैर के साथ जी आज खाएंगे बिस्मिल्लाह करके शहद दी तोरियां। सही है जी, शहद दी तोरियां में सानू पता सा के किस तरह होनी है। बिस्मिल्लाह, अभी जी दूसरे का नंबर इसको साइड पे रख देते हैं। आ जाओ जी, मैं कहता हूँ कि आप मजा आ जाएगा आपको, ऐसी रेसिपी होगी। वाह माशाल्लाह। अभी मैं आपको बताता हूँ करेले, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा करेलों की हांडी कैसे बनती है। करेले के बाद करेलों का नंबर है जी। तो ये जी एक और रह गया, इसे फिर दो तीन दिन के बाद निकाला जाएगा। अभी आ जी। तो जी जैसे कि आप लोगों को पता है कि काम काज तो मैं करता नहीं हूँ, ठीक है जी, वो बस यही हांडिया बनाता रहता हूँ, पकाते रहता हूँ। और ये देखे ना जी, खैर के साथ, ठीक है जी, ये इसे भी तोड़ देते हैं खैर के साथ। और ये देखिए बिस्मिल्लाह, शिमला मिर्च भी आपको बनाना सिखाऊंगा। और दो तीन दिन के बाद फिर ये शिमला मिर्चें बनेंगी, शिमला मिर्च और कीमा। और इसके बाद फिर टेंडे बनेंगे। और ये देखें जी, ये फ्रेश बीन है खैर के साथ, ये भी मैं आपको बनाना बताना सिखाऊंगा, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये देख लेते हैं, ये देखें जी फ्रेश बीन, माशाल्लाह। ये भी दो तकरीबन तीन दिन के बाद ये सही तरह से पक जाएगी और फिर उसके बाद इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊँगा। ये देख सकते हैं, ये फ्रेश बीन देख सकते हैं, माशाल्लाह। यहाँ पे खैर के साथ ये देखें, इसके बाद भिंडी, भिंडी, ये भिंडी की रेसिपी आपको बताऊंगा कि भिंडी कैसे बनती है। तो ये सारी चीज़ें खैर के साथ इस घर भी हैं, तो मैं आपको साथ साथ सब कुछ बनाना सिखाऊंगा। तो चलें जी अभी जाते हैं वापस किचन में। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी आ गई है शहद की तोरी। अभी इसको छोटे छोटे पीस करते हैं, आपके सामने ही मैं आपको बताऊंगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं, शुरू करेंगे ऐसे इसको। और आप देखते जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, ये इसी तरह, ठीक है जी। इस तरह आपने करना है, ठीक है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ गए जी। तो इस तरीके से ये काट देना है। इसके बाद जी ये प्याज ले लेना है, इतना प्याज होना चाहिए। उसके बाद दो चम्मच गार्लिक, जो दो चम्मच जिंजर, और ये हरी मिर्च जो जी मैंने छः दाने ले लिए हैं, हरी मिर्च छोटे छोटे थे, छः दाने थे। और इसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया, ठीक है, मैं आपको इस ऐसे ही बता रहा हूँ, उसे मैंने छोटा 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 काट लिया था। और अगर ऐसे हम देखें तो ये दो चम्मच भर के गार्लिक है और दो चम्मच भर के जिंजर है, और तकरीबन ये तीन पीस ये जो टमाटर है ये मैंने बड़े वाले ले लिए थे। अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आप तकरीबन चार पाँच डालिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाल देनी है ऑयल। आपके पास ऑयल है तो ऑयल डालें, अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप घी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा सा इसमें डाल देना है ऑयल।
प्याज डाल दिया। प्याज को हमने बारीक बारीक करके बिल्कुल पतला पतले तरीके से हमने स्लाइसेस की तरह इसको काटा था, तो इसके बीच में प्याज डाल दिया। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, प्याज को आपने सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन करना है। अभी हमने इसके बीच में गार्लिक डाल देना है। सबसे पहले हमने डालना है गार्लिक इसमें। अभी 2 मिनट तक गार्लिक को हमने इसमें अच्छी तरह से भून लेना है। अभी हमने जिंजर डाल देनी है इसमें। फिर इसको एक थोड़ी सी देर तक पका लेना है, इसको भून लेना है जो जिंजर हमने डाली है। और साथ ही इसके अभी हमने डाल देना है थोड़ा सा नमक, हसबे जायका। आपको जितना नमक आप खाते हैं आप उतने अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कि मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा नमक डाला। अब ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लगा है तो इसमें हमने डाल देनी है जो हरी मिर्च थी वो डाल देनी है। और साथ ही इसके 1 चम्मच लाल मिर्च मैंने अपने हिसाब से डाली है, मैं इतनी नहीं खाता, मैंने आधी चम्मच डाली है। और आधी चम्मच भर के हल्दी, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला इसमें डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि जो हांडी का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। और आधा चम्मच इसमें जाएगा सूखा धनिया, ये सूखा धनिया इसमें डाल दिया। अभी हमने टमाटर है हमारे पास, हम वो डालेंगे। अब टमाटर हमने डाल दिए तो अभी हम इसको रखेंगे कि थोड़ी देर के लिए ये मेल्ट हो जाए। टमाटर इसके जो है ये बिल्कुल अंदर ख़त्म हो जाएंगे ये तकरीबन 2 मिनट तक। तो ये देखें जी, ये जो टमाटर जो हमने डाले थे ये सही मेल्ट हो चुके हैं इसमें, देख सकते हैं आप। तो टमाटरों को जो पानी था वो अभी इसी में ही है, ठीक है। अभी हम इसमें डाल देंगे ये सब्ज़ी। आपने कोई पानी नहीं डालना, आपने कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि ये हम लोगों की बड़ी गलती होती है कि हम जब ये तोरी जब बनाते हैं तो इसमें हम डाल देते हैं पानी, ठीक है। पानी नहीं डालना होता इस सब्ज़ी में, पानी नहीं डालना होता, ये हमने ऐसे डाल देना है, ठीक है। और अभी हम इसे पका लेंगे। ये बहुत आसान सब्ज़ी होती है, ये बहुत जल्दी बनती है। बस अभी इसे 2-3 मिनट तक छोड़ दीजिएगा, ये खुद ही आराम से बन जाएगी। टोटल इसके 5-6 मिनट होते हैं, 5-6 मिनट में ये तैयार हो जाती है। तो जी आपने 3-3 मिनट के बाद, दो दो 3-3 मिनट के बाद इसको ऐसे उठा के और इसके बीच में ऐसे चमचा हिलाना है, ठीक है, कि नीचे ना लग जाए। खैर वो तो जिसका बर्तन नॉन स्टिक होगा उसको तो कोई फिक्र नहीं है, पर मैं उन भाइयों के लिए कह रहा हूँ कि जिनके पास नॉन स्टिक अगर ना हो तो वो तो नीचे लग जाएगा सारा। तो आपने ऐसे दो दो 3-3 मिनट के बाद इसको हिलाते। तो जी ये रेडी हो गई, तो अभी मैं इसको सर्व करता हूँ, बर्तन में डालता हूँ। अब देखिएगा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें जी ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैं कहता हूँ आप ये बनाएं तो मज़े ही आ जाए आपको, आप ये बनाएं तो मैं कहता हूँ एक मरतबा बनाएं तो वाह वाह जी वाह वाह।
चैनल को जी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा। वो इसलिए बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे कि वो जब आप क्लिक करेंगे तो मेरी कोई भी वीडियो आज के बाद खाने पीने की या मेरी टूर्स की कोई भी वीडियो मेरी अगर आएगी तो आपके सामने वो आ जाएगी। तो इसके लाइक सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, कमाल की बात है। ये तो मैं कहता हूँ कि मुफ्त का काम है जी। सब्सक्राइब करने के आज तक किसी ने कोई पैसे नहीं लिए। और जी नई वीडियो के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद कीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।